ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच गई है जंतर मंतर। देखिए जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, रेसलर्स जो धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो एक तरह से जंतर मंतर ये भी कह लीजिए, तमाम जो सियासी पार्टियां हैं विपक्षी पार्टियों का एक तरह से जमावड़ा वहां पर लग रहा है। आम आदमी पार्टी के अभी नेता पहुंचे थे सौरभ भारद्वाज कल, फिर अभी दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी पहले से है खिलाड़ियों के बीच, और अब पहुंच गए हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। उधर अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि वो भी जाएंगे जंतर मंतर। तो एक तरह से ये विपक्ष को मौका मिला है रेसलर्स के बहाने, खिलाड़ियों के बहाने, वो भी लामबंद, और कहीं ना कहीं सभी लोग पहुंच रहे हैं। और इस मौके में देखिए ये तमाम जो खिलाड़ी हैं उनकी मौजूदगी है रेसलर्स। आजा एक मिनट। ये सुबह सवेरे की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन पहलवानों से मिलने पहुंच गए प्रियंका गांधी वाड्रा। ये सीधी तस्वीर देखिए जरा। दीपेंद्र हुड्डा पहले से पहुंचे हुए थे वहां, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, उनके साथ तमाम जो रेसलर्स हैं वो वहां पर दीपेंद्र हुड्डा मुलाकात करवाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा से। तो इस वक्त की बड़ी खबर सुबह सवेरे 8:10 हो रहे हैं और जो धरना दे रहे हैं रेसलर्स जंतर मंतर पर, उनके बीच प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच गए हैं। सुशांत मेरा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशांत, तस्वीरें भी दिखाइए और जानकारी भी दर्शकों को बताइए। देखिए आशुतोष, सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा जंतर मंतर पर रेसलर से मिलने के लिए। इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं, खिलाड़ियों से वो मुलाकात करेंगी। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव अभी फिलहाल जो है प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि मंच पर यहाँ पर जो है वो पहुंची हैं और खिलाड़ियों से जो विनेश फोगाट हैं, बजरंग पुनिया हैं, उन सब से वो मुलाकात कर रही हैं और वहां पर जहाँ पर जो मंच लगा हुआ है वहां पर आकर के बैठी हैं। कल पिछले 23 तारीख से लगातार ये पूरा मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ था। लगातार खिलाड़ी जो है वो जंतर मंतर पर कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण, उनके खिलाफ जो है वो FIR की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला गया। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस को कहा कि आप इस पूरे मामले पर FIR जो है वो दर्ज करें। लेकिन लगातार जब से ये खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हैं उसके बाद से ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पर समर्थन जो है वो मिल रहा है खिलाड़ियों का, और उसके बाद एक के बाद एक, चाहे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, और अब प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं खिलाड़ियों से मुलाकात करने के लिए। ये पूरा मामला आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से, जो साक्षी मलिक है, सुशांत हम खास तस्वीरें भी देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो महिला रेसलर्स हैं उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा बैठी हुई है और उनको सुन रही हैं। शायद पूछना और जानना चाह रही हूं कि एक्चुअल मामला क्या है, क्या हुआ था, क्योंकि पुरुष जो रेसलर्स हैं वो सब अलग बैठे हुए हैं और महिला खिलाड़ियों के साथ बैठी है प्रियंका गांधी, यही बातचीत हो रही होगी। ये जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ एकदम अलग से बैठकर के प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उनकी बात सुन रही हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था, किस तरीके से के साथ ये पूरी घटनाएं जो है वो हुई है, कब से ये पूरा मामला 2012 से ये पूरा मामला है जब से खिलाड़ी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के अपनी शिकायत जो है वो कर रहे हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब प्रियंका गांधी जो है उनसे अकेले में बातचीत कर रही है, हालांकि जो पुरुष खिलाड़ी हैं वो अलग जो है वो बैठे हुए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की अब तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से अलग वो साक्षी मलिक और फोगाट को जो है वो सुन रही है, उनसे समझ रही है ये पूरा मामला, पूरा मामला क्या है और किस तरीके से आगे की लड़ाई जो है वो आगे लेके जा रही है, क्योंकि खिलाड़ियों ने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली पुलिस पर उनको भरोसा जो है वो नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पर FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है, 2 FIR जो है वो दर्ज की गई है, एक ओवरऑल जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी शिकायत पर, एक पॉस्को एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि जो बृजभूषण शरण है उनका इस्तीफा जो है वो होना चाहिए। अभी फिलहाल लड़ाई अगर आप देखेंगे कि ये पूरा सियासी संग्राम जो है वो इस वक्त जो रेसलर्स का जो ये पूरा अखाड़ा जंतर मंतर पर बना हुआ है उस पर यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी जो है वो नजर आ रही हैं। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि आगे की सीट पर दीपेंद्र हुड्डा जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जो कि इस वक्त बजरंग पुनिया से बातचीत कर रहे हैं। वहीं पीछे की तरह अगर आप देखेंगे तो प्रियंका गांधी जो है वो महिला खिलाड़ियों के साथ लगातार उनको सुन रही है, उनकी बात को समझ रही है, उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो लगातार वो
शोषण के आरोप लगा रही है, उन सब बातों को अभी आप देखेंगे। साक्षी मलिक जो है वो इस वक्त प्रियंका गांधी से जो है वो बातचीत कर रही हैं, उनको बता रही हैं कि पूरा मैटर ये कब से है, कब से वो लगातार इस लड़ाई को लड़ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अब ये पूरा मामला जो है वो यहाँ पर अब अलग जो है वो रूप में जाता हुआ फिलहाल जो है वो दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी इस वक्त समर्थन में यहाँ पर जो है वो नजर आई। कांग्रेस शुरुआत से ही इस पूरे मुद्दे पर जो है वो खिलाड़ियों के साथ जो है वो नजर आ रही थी, अब यहाँ पर वो बैठ करके आराम से उन तमाम महिला खिलाड़ियों की बात जो है वो इस वक्त सुन रही हैं और समझ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।